एपिसोड 33, विदुषी के पेरेंट्स। विधि का चेहरा अब और फीका पड़ चुका था। उसने उस क्रिस्टल रोज को अपने हाथों में उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर फेंक दिया। उसके रूममेट्स उसे ऐसा करते देखकर डर गए। क्रिस्टल रोज के गिरते ही एक तेज आवाज सुनाई दी और वो पूरे रूम में बिखर गया। विदुषी, तुम? अनु ने हैरान होते हुए कहा। विधि ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और झाड़ू लेकर क्रिस्टल के टुकड़ों को समेटने लगी। फिर उसने उन टुकड़ों को एक बीन बैग में डाला और वहां से बाहर निकल गई। लगभग 3 गलियां पैदल चलने के बाद उसने बीन बैग को कचरे में फेंक दिया। वो रात बहुत शांत थी। वो ना चाहते हुए भी अपने हॉस्टल रूम वापस लौट आई। वो बहुत ज्यादा ही थक चुकी थी, इसीलिए वो सोने के लिए चली गई। पर उसे बुरे सपने आते रहे। धुंध के बीच एक जेल का सेल था। उसे नहीं पता था कि वो सेल में कैसे पहुंची। उसे बस इतना पता था कि वो जब भी वहां से भागने की कोशिश करती, चाहे वो किसी भी ओर भागे, हमेशा एक स्टील के बैरिकेड्स के पास पहुंच जाती थी, जो उसे उस जगह से भागने से रोक रहा था। और उसे बार बार लगता था कि उसके पीछे पेड़ों के पीछे कोई छुपा है। इस सपने के बाद वो पसीने से भीग गई और उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाया और खुद को गले लगाकर सारी रात उसी तरह बैठी रही। उसे डर था कि अगर उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो सपना फिर आएगा। अगली सुबह अनु विधि को इस तरह देखकर डर गई। उसने उससे पूछा, विदुषी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारा ब्रेकअप तो नहीं हुआ है ना? तुम रात भर बिल्कुल भी नहीं सोई और इस तरह क्यों बैठी रही? तुम अपने इन डार्क सर्कल की वजह से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। विधि ने अनु की बातों को अनसुना कर दिया और फ्रेशन अप होकर प्रैक्टिस के लिए चली गई। उस दिन प्रैक्टिस करते वक्त उसे मोच आते आते बची और गाते वक्त उसके सुर और ताल में बहुत गलतियां हुई। विधि ने अनिरुद्ध को कॉल लगाया और उसे कहा कि वो कुछ दिन के लिए उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त तुमने हेल्प से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम कभी डेब्यू कर पाओगी? वो उससे झगड़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने उससे कहा, अगर बस इतनी सी बात थी तो मैं फोन रखूं? विधि की बात सुनकर अनिरुद्ध शांत हो गया। फिर उसने उससे प्रॉब्लम पूछी, विदुषी, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, विधि ने जवाब दिया। अनिरुद्ध ने आगे कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पर अगर कुछ है तो तुम जयंत से कह सकती हो। वो तुम ट्रेनीज का इंचार्ज है, कुछ भी हो तो उसे बता देना। ठीक है, विधि ने कहा। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही विधि के सर में दर्द होने लगा। विधि जयंत को ऐसी बात कैसे बताती? वो जयंत के पास जाकर कैसे बोल सकती थी कि चेयरमैन जयंत, टाइम्स म्यूजिक के बिग बॉस आरव कपूर मुझे अपना बनाना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए। ये जयंत के बस की बात नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक आंखें बंद करते ही उसे कई बुरे सपने आते रहे। विधि बहुत ही बुरी तरह घबराई हुई थी। वो तो बस इंतजार कर रही थी आरव और चेतन के अगले कदम का, पर ऐसा लगता था जैसे वो दोनों कहीं गायब हो चुके हों। इसी तरह वक्त बीतता गया और नया साल आ गया। उस वक्त ट्रेनिंग कैंप ने अपने ट्रेनीज को 2 हफ्तों की छुट्टी दे दी। ट्रेनिंग कैंप की ट्रेनिंग बहुत टफ हुआ करती थी और पूरे साल में न्यू ईयर का ही समय होता था जब उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी। इन छुट्टियों में ट्रेनीज अपने घर जाते थे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। अनु और उनकी बाकी 2 रूममेट्स घर जा चुकी थी, पर विधि वही थी। जयंत ने उससे पूछा कि वो घर क्यों नहीं गई। विधि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे, उसकी यादों में अपने नए पेरेंट्स को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, पर वो लोग उसके लिए अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसे नहीं पता था कि वो उनका सामना कैसे करेगी। विदुषी के पापा ने उसे बार बार घर जल्दी आने के लिए कॉल किया था। जयंत ने उससे कहा, घर जाओ विदुषी, तुम बहुत दिनों से यहां अकेली हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें याद करते होंगे, घर जाओ, न्यू ईयर सेलिब्रेट करो और उनकी बेटी होने का फर्ज निभाओ। हाँ, बेटी होने का फर्ज, उसने शांति से सोचा। अब जब वो विदुषी की बॉडी में थी तो अब उसे उसके रिश्ते भी निभाने ही होंगे। ये शर्मा फैमिली के लिए उसका फर्ज था, इसलिए वो विदुषी के घर जाएगी
और ये विधि को उसे अपनी बॉडी देने के लिए थैंक यू होगा। शर्मा फैमिली उसी शहर में थी। विदुषी की यादों को टटोलते हुए विधि उसके घर पहुंची। उसकी सौतेली माँ ने घर का दरवाजा खोला। उसने विधि के साथ बहुत ही रूखा बिहेव किया। विधि ने एक गहरी सांस ली। आखिर उसे कहां पता था कि वो अपने सो कॉल्ड पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करे। मिस्टर दिलीप शर्मा ने विधि की ओर देखा और इशारों में उससे माफी मांगी। फिर उन्होंने विधि से कहा, विदुषी मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो अभी हुआ वो ठीक नहीं था, पर अपनी आंटी के बिहेवियर का बुरा मत मानना। पिछले कुछ साल उसके लिए भी अच्छे नहीं रहे हैं। विधि ने खामोशी से अपना सर हाँ में हिलाया, पर उसे अंदर से ये किसी मजाक की तरह लग रहा था। उसे अच्छी तरह से याद था कि मिसेस सुशीला शर्मा विदुषी के पापा की रखेल थी, जिसने उसकी माँ को घर से निकाला था। इस वजह से उसने कभी भी उसे माँ नहीं कहा। जिस प्यार की वो लोग बात करते थे वो सच नहीं, बस एक दिखावा था। उस रात विधि उसी बुरे सपने की वजह से ठीक से सो नहीं पाई। अगली सुबह जिस तरह से उसने मिस्टर और मिसेस शर्मा को बात करते देखा, उसे आरव की याद आ गई कि किस तरह से वो उसे कोट पहनाता था या फिर उसे प्यार से खिलाया करता था। तभी अचानक मिसेस शर्मा ने कहा, इसका चेहरा देखो किस तरह से उतरा हुआ है, लगता है एक सेलिब्रिटी को अब हमारे छोटे से घर की आदत नहीं रही। अगर तुम्हें यहाँ ना इतना ही बुरा लग रहा है तो अपना बैग पैक करो और ट्रेनिंग कैंप वापस चले जाओ। हमारे घर पर मनहूसियत फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। विधि ने मिस्टर शर्मा के बारे में सोचा और कुछ ना कहना सही समझा। कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा विधि के पास आए और उससे कहा, विदुषी तुम्हें यहाँ आए काफी समय हो गया है और तुम कात्यायनी से अब तक नहीं मिली, क्या कल हम सब उससे मिलने चलें? विधि ने कुछ नहीं कहा। सच कहे तो विधि अपनी नई बहन से बिल्कुल अनजान थी। उसकी यादों में विदुषी अपनी छोटी बहन कात्यायनी से बहुत प्यार किया करती थी। कात्यायनी की एक मुस्कान उसकी पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स को दूर कर देती थी, पर विधि ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करती थी। उसकी पिछली जिंदगी में उसका सिर्फ एक से रिश्ता था और वो भी मुक्ति से। उसके अंदर जो भी प्यार था वो उसने अपनी पिछली जिंदगी में ही मुक्ति को दे दिया था। अपने इस जन्म में वो किसी से कोई भी गहरा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसे बस इतना करना था कि उसे अपनी सो कॉल्ड बहन को अच्छे से ट्रीट करना है। वो तीनों अगले दिन बस में निकले। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से उन्होंने बस लिया, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगे। इतने लंबे सफर के बाद विधि को चक्कर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों पर चल रही थी। कुछ दूर मिस्टर और मिस शर्मा के साथ चलने के बाद वो हॉस्पिटल और VIP एरिया पहुंचे। तभी अचानक सुशीला आंटी ने मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, सुनिए मुझे चक्कर आ रहा है और कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है मुझे उल्टी होने वाली है, आप मेरे साथ वॉशरूम चलिए। दिलीप ने मजबूर होकर विधि की ओर देखा और सुशीला के साथ जाते हुए उससे कहा, विदुषी तुम वार्ड में पहले चले जाओ, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, रूम इस कॉरिडोर के लास्ट में है, रूम नंबर 2206। ओके, विधि ने कहा। वो मुड़ी और वार्ड की तरफ अकेले चली गई। जल्द ही उसे रूम नंबर 2206 मिल गया। उसने चेक किया कि वो रूम नंबर सही है या नहीं और फिर अंदर चली गई।